विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, बदले गए जिला एवं ग्रामीण अध्यक्ष। गुरमीत सिंह मंगू की जगह लखनलाल खंडेलवाल और त्रियुगी नारायण की जगह राजेंद्र शर्मा को जिले की कमान। आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनियुक्त शहर और जिला अध्यक्ष ने ठोकी 2023 के चुनाव की ताल, किया जीत का दावा। जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का दावा, बोले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं आएगा काम। शहर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता है पार्टी की रीढ़, मिलकर करेंगे काम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने रविवार को कांग्रेस पदाधिकारियों की भारी भरकम लिस्ट जारी की, जिसमें प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के टीम की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने रीवा जिले में बड़ा बदलाव करते हुए शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद पर बदलाव करते हुए ये नई जिम्मेवारी अपने पुराने ही लोगों को सौंपी है, जिसमें शहर अध्यक्ष की कमान लखनलाल खंडेलवाल को सौंपी गई तो वहीं जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को दी गई है। आपको बता दें कि इंजीनियर राजेंद्र शर्मा एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस के सबसे साफ और स्वच्छ छव के लोगों में शुमार है, और इन्होंने रीवा की मेयर सीट के चुनाव में भीष्म पितामह की भूमिका निभाते हुए वे बीजेपी के 3 दशकों के किले को धराशायी करते हुए कांग्रेस को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में रीवा विधानसभा सीट का प्रत्याशी भी माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस से टिकट के दावेदार तो कई हैं, लेकिन टिकट इसे मिलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल आज हम रीवा कांग्रेस के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही पदाधिकारियों ने पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारियों को पूरी लगन और मेहनत के साथ निर्वहन करने का वादा किया है और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का भी दावा किया है। वहीं इस अवसर पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने दोनों अध्यक्षों को बधाई दी। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। सबसे पहले मैं कांग्रेस के अपने नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को, हमारे देश की नेता कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय श्री राहुल गांधी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी संगठन पे नियुक्ति की, हम पे ये विश्वास किया कि हम कांग्रेस पार्टी को इस पद पे रहकर कांग्रेस पार्टी के कार्यों को करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा करें। हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि जो पार्टी के द्वारा हमें समय समय पे दिशा निर्देश मिलेंगे, जो कार्यक्रम मिलेंगे, उसको हम ग्रॉस रूट लेवल पे ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करें। परिस्थितियां बदल गई हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम रीवा जिले की 8 में 8 सीट में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे। कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते, हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमको किस तरीके से जीत हासिल करनी है। सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को ख़राब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। प्रयास हम लोगों का जिस स्तर का था उससे बढ़ा चढ़ा प्रयास मिलेगा। पूरा हमारा नेतृत्व एक है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी हम लोग एक हैं और सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जैसा हमने महापौर के चुनाव में सबने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारी टीम जो तैयार है, पन्ना प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक और अध्यक्ष, ये सारी टीम पूरी तैयार है। बस केवल थोड़ा बहुत चार्ज करने की आवश्यकता है और सभी के मार्ग निर्देशन में, सभी के आशीर्वाद से, बड़े लोगों के और सहयोगों के साथ लेके हम लोग उस टीम को चार्ज करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से लोग भारतीय जनता पार्टी ने उबा दिया है, लोग नहीं उबे, खुद ही उबा दिया है। इस तरह से झूठी वादे और घोषणाएँ उन्होंने किए हैं
कि अब तो लोग बाग शिवराज जी को देखना पसंद नहीं करते टीवी।